गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लेट सी हाउ टू राइट कर्सिव लेटर एम। यू नो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड लाइन, पॉइंट आउट ऑन थर्ड लाइन, स्लैंटिंग लाइन, टच द सेकेंड लाइन एंड स्मॉल कर्व, माइंड इट स्मॉल कर्व, देन अप फ्रॉम द मिडल लाइन, make a small curve and touch second line, little bit big curve than earlier, then little up and make a curve, touch with second line and down and make a small curve, this is letter M। बेटा जब भी आपने स्टार्ट करना है एम, जो आपकी फर्स्ट ये कर्व होगी ये स्मॉल होगी, बाकी ये जो दोनों कर्व हैं ये दोनों बिग होंगी कंपैरेटिव टू जो पहली आपकी कर्व है वो। जैसे दोबारा से देखिए, स्लैंटिंग लाइन, सेकंड लाइन को टच करते हुए स्मॉल कर्व डाल के बिल्कुल नीचे एक स्टैंडिंग लाइन डालनी है, फिर यही वाली लाइन से थोड़ा सा ऊपर जाना है और उसके बाद कर्व बनाते हुए सेकंड लाइन को टच करते हुए नीचे आना है, उसके बाद फिर दोबारा से ऐसे ही सेम। ठीक है, आपने ये ध्यान रखना है ये दोनों जो आपकी जो बाद वाली कर्व है इनके बीच में स्पेस होना चाहिए। अगर आप बेटा ऐसे करोगे, बिल्कुल ऊपर तक ले जाओगे और फिर ऐसे, फिर ऊपर तक ले जाओगे फिर ऐसे, ये देखो यहाँ पे कोई स्पेस नहीं आया तो ये रॉन्ग हो जाएगी। कई स्टूडेंट्स अगर ऐसे करेंगे यहां से ही इधर चले जाएंगे ऐसे, तो ये देखो कितना गंदा लग रहा है और ये वैसे भी बहुत ही अजीब है, ये एम की आपकी नहीं आ रही इसकी जो फॉर्मेशन है। तो ध्यान देना है, पहले आपने स्मॉल कर्व के साथ, फिर उसके बाद में ये जो बाकी की जो दोनों है ना ये सेम कर्व होनी चाहिए, पहले स्मॉल। अच्छा, ये भी नहीं आपने करना कि ये थ्री आपने जो कर्व बनानी है थ्री की थ्री आपकी सेम होगी, जैसे ये बड़ी हो गई फिर ये बड़ी हो गई और फिर ये बड़ी हो गई, ये रॉन्ग है। जो फर्स्ट कर्व है वो थोड़ी सी छोटी होनी चाहिए, फिर उसके बाद जो बाकी की जो दूसरी है वो ऐसे बड़ी होनी चाहिए। देखो ऐसे एम होता है बेटे। ओके, थैंक यू, आई होप कि आपको इससे हेल्प मिलेगी। थैंक यू।